रात अंदरात गरीब लोग हैं, अभी लड़की नहीं है हमारे पास, अभी सिर्फ कपड़े हैं। हालात अच्छे हुए तो इसमें लड़की भी डलवा लेंगे। नसीब वाले होते हैं वो लोग जिन पे लड़कियां मरती हैं या जिन को देख के लड़कियां मर जाती हैं। वो लोग होते हैं लेडी किलर जिन्हें प्यार मिलता है, दिलदार मिलता है, जिंदगी मिलती है, चाहत मिलती है, मोहब्बतें मिलती हैं, रास्ते मिलते हैं, तरक्कियां मिलती हैं, नाम मिलते हैं। और ज्यादातर लड़कियां शोबिज और स्पोर्ट्स इनमें ही मरती हैं। मैच होते हैं, एक चौका लगता है और लड़कियां पागल हो जाती हैं। एक छक्का लगता है और लड़कियां ऐसा लगती है पता नहीं छक्का उनके लिए मारा गया है। हम लोग तो बस ऐसे ही डांस कर लेते हैं कमीज के साथ, लेकिन तमीज के साथ। वो कौन लोग हैं जिनके मुकद्दर वाले, जिनके नसीबों में इतना प्यार, इतनी लड़कियां, इतने स्कैंडल, इतनी चाहत, इतनी मोहब्बत, कौन हो सकते हैं वो लोग? इंतजार करना पड़ेगा आपको, कहीं मत जाइएगा, जा भी नहीं सकते आप, बाहर डेंगू घूम रहा है। एक रास में से पर्दा उठाना चाहता हूं मैं, इन म्यूजिशियनों में जो मेरे पांच बंदे बैठे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं है तो रास, इनमें एक डेंगू भी है। और इतना ईमानदार डेंगू है, मैं नाम भी नहीं लूंगा, खुद ही खड़ा हो जाएगा डेंगू, आप देखिएगा। डेंगू ये खाओ। बहुत इंतजार, हमारी सफों में भी डेंगू है, ये तो मच्छर है, लेकिन वो भी डेंगू है जो इस मुल्क को लग चुका है। डेंगू इस मुल्क को जिसने डंग मारे हैं वो भी डेंगू है, उनको भी देखना है। स्पोर्ट्स में भी डेंगू है, शोबिज में भी हैं, पॉलिटिक्स में भी हैं, हर जगह है, बिजनेस में भी हैं, हर जगह डेंगू है। अगर हमें हर डेंगू से बचना है, लेकिन जिसे हम बुला रहे हैं वो हमारा हीरो है और हमारा नेक्स्ट मेहमान है, लेकिन एक डेंगू हमें भी है, वो है ब्रेक डेंगू। अच्छी वाली गुफ्तगू में दम ब्रेक, छोटा सा ब्रेक, आप ब्रेक लीजिए, मैं इसमें लड़की डलवा के अभी आ रहा हूं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक से हम वापस आ गए। खातून दुरात, हम आपको बता रहे थे, कुछ हमने आपके सामने बताया था कि हमारे पास तो इतनी लड़कियां फैन होती नहीं हैं जितनी क्रिकेटर्स की होती हैं। स्टेडियम भरा हुआ होता है जब मैच होते हैं, मैंने देखे बेशुमार मैच, लड़कियां पागलों की तरह घूम रही होती हैं। शाहिद, ओ मेरे खुदा, क्या लकी मैन है शाहिद आफरीदी यार, आप हर आदमी शाहिद शाहिद यार। एक जमाना था मोहसिन मोहसिन, एक जमाना आया फिर रमीज रमीज रमीज, फिर एक जमाना आया जावेद मियां दाद आ गए, वो उनका भी एक क्रेज आया। और वो मैं चाहता हूं जितने भी हमारे ऐसे लेजेंड प्लेयर्स हैं, जब हम उनका कभी भी नाम ले जिक्र करें तो आप हमें चाहिए कि हम हमेशा उनके लिए एक क्लैप जरूर किया। जो भी पाकिस्तान के लिए परफॉर्म करता है हमारे लिए सब काबिल एहतराम है और हम उन सब को प्यार करते हैं, इज्जत देते हैं। आज हमारे जो मेहमान हैं ये ऑलराउंडर हैं, पूरे ग्राउंड में खेलते हैं,
हर पोजीशन पे खेलते हैं, हर नंबर पे आते हैं और बहुत बड़ी एक ऐसी मैं समझता हूं कि सपोर्ट है, एक ऐसा बैट है जो मुश्किल वक्त में हमारे काम आता है। बॉलर भी है बड़े शानदार, बहुत अच्छे, फास्ट भी है, मीडियम भी है सर। और मुझे इतना क्रिकेट का पता नहीं, यकीन करें आप, मैं सिर्फ 4-5 दफा मैच में इमोशनल हुआ वर्ल्ड कप वगैरह में, अदरवाइज मुझे ये गेम से उलझन हो जाती है, नसें खिंच जाती हैं, यूं हो जाता है आदमी मैच देखते तो बच्चा आता उसे भी आदमी कहता है अंदर जाओ। जज्बाती, यू नो, इमोशनल, एंड वी आर वेरी इमोशनल नेशन, एक जज्बाती कौम, एक मिनट के अंदर अपने जज्बात का इजहार। आज जो हमारे ये हीरो हैं, हमारे नेशनल हीरो और हमारे पाकिस्तान का, इन्होंने बड़ा नाम किया, दुनिया भर में खेले हैं, उनका नाम ही उनका तारुफ है। आपकी पुरजोर ताली उमर शरीफ शो के पहले मेहमान अब्दुल रज़ाक। अब्दुल रज़ाक साहब, मैं आपको शरीफ शो में खुशामदीद कहता हूँ। थैंक यू वेरी मच शरीफ भाई। सिर्फ थैंक यू आप बोलेंगे तो बोलेंगे। कोई गिफ्ट नहीं लाए? मुझे अफसोस हुआ, या कि मैं क्या तवक्कु कर रहा था आपको चीज लाएंगे। मैं खुद, पता है आपको, आपसे जब मेरी बात हुई तो मैंने जब शो देखा आपका, तो मेरी एक डिजायर थी कि मैं शो में आऊं और आपके सामने बैठूं। नहीं, हमारी जरूरत थी कि आपको बुलाएं, क्योंकि आप हमारा नेशनल, आपने पाकिस्तान का नाम बहुत मरतबा रोशन किया है। यू आर अ स्टार रियली, और मैं ही नहीं पूरा पाकिस्तान बल्कि दुनिया के बेशुमार लोग आपको। थैंक यू वेरी मच। ऐसे मजाकन कह रहा था आपसे कि आप शायद मिलने, मेरे दिल में था कुछ गिफ्ट लाएंगे, लेकिन बहरहाल दिल की बातों का इतबार नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए, मैंने तो आपको फिर कभी सही, कोई बात नहीं। मैंने अपने दिल की बात बताई है कि मोहब्बत लाए हैं आपके लिए। मैं मोहब्बत लाए हैं जी। ठीक है मेरे भाई, बड़ी मेहरबानी, जो मोहब्बत आप लाए, मैं भी जाते वक्त आपको 2 टोकरे मोहब्बतों के दूंगा, वो आप गाड़ी में रखवा लीजिएगा। ठीक है, और मोहब्बत और प्यार की इस दुनिया में मैं आपसे यहाँ से शुरू करूँगा। ये हमारा अजीम क्रिकेटर, ये हमारा अजीम बॉलर, ये हमारा अजीम सपूत हमारी ज़मीन का, ये कब पैदा हुआ? पाकिस्तान में हुए, इंडिया में हुए, कहाँ पैदा हुआ आप? मैं शाहदरा में पैदा हुआ था। शाहदरा लाहौर, जहाँ से शुरू होता है। जी जी, लाहौर में पैदा हुए। उसके बाद तालीम कहाँ हासिल किया? शाहदरा में स्कूल में तालीम की, मैट्रिक के बाद पढ़ना छोड़ दिया और क्रिकेट की तरफ ज्यादा लग गए। अच्छा, किसी एकेडमी से सीखा या खुद आपका ये अपना टैलेंट है? से शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ये नेचुरली भी कह सकते हैं और अपना पैशन भी कह सकते हैं, और जितना शौक था आप समय लेके पढ़ाई छोड़ दी और क्रिकेट की तरफ कंसंट्रेशन कर दिया। वो टैलेंट आपको खींच खींच के लेके जाता होगा, होता ही है। हाँ जी, बस ये कह सकते हैं कि जब पढ़ाई छोड़ी तो 8-9 घंटे डेली की हमारी ट्रेनिंग होती थी और बीच में खाली पेट भी ट्रेनिंग वगैरह करते थे। एक प्योर मेहनती इंसान है आप, इसका मतलब शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, सेल्फ मेड। रज़ाक भाई, दुनिया में आप जाते हैं, शादी आपकी होगी माशाल्लाह? हाँ जी, शादी होगी। कितनी? 2-3-1 कितनी हुई है? शादी एक हुई है। एक ही हुई? इस पे आपको मायूसी है, खुशी है? खुशी है कि एक ही हुई है। नहीं नहीं, इसका मतलब है आप, मतलब यानी कि उलझन समझते हैं इसको? नहीं, जब इंटरनेशनल कैरियर शुरू हुआ तो उसके 5 साल के बाद शादी हो गई, तो काफी खुशी हुई और अल्लाह का शुक्र है कि एक ही अच्छी है। शादी आपके अपने को कजन्स में हुई है, लव मैरिज है, अरेंज मैरिज है, या क्रिकेट की फैन थी भाभी, मैच देखने आई थी, जहाँ आपने विकटे ली, धड़ाधड़ ये उड़ा वो उड़ा, कब बस शादी तो मैं इसी से करूंगी, ऐसा कोई सीन है या सिंपल है? ऐ वेखो जी, चाल है क्या है, जो साडा अपना मुल्क दा स्टाइल है, चाय लेके आई, रखा, आपने देखा, हल्के से मुस्कुराए, अम्मी की तरफ देखा और यूं कर दिया। ये शादी भी होती है ना हमारे यहाँ। आपकी कौन सी हुई है? नहीं, अरेंज है और खाला की बेटी है, कजन है। अच्छा, अपने खानदान में खाला की बेटी? क्रिकेट से पहले ही मेरी अम्मी की ख्वाहिश थी कि मैं वहां पे शादी करूं। और अच्छा, मांग जड़ी मांग थोड़ी बचपन की मांग है? मैं अपनी मंग ला के जानी है जगीरदारा। अच्छा, बच्चे कितने हैं आपके? 2 बच्चे। 2 बच्चे और फैमिली में कौन कौन है आपके? लोग सुनना चाहते हैं आप कौन कौन है। 3 और भाई हैं हम, 4 भाई और 1 बहन है।
اب ہم اصل گیم کی طرف آتے ہیں. پہلی کامیابی آپ کو یاد ہوگی کیا تھی؟ پہلی کامیابی کامیابی یہ تھی کہ جب میرا ٹیم میں نام آیا اور جب میں نے پہلی وکٹ لی, فرسٹ وکٹ, ہاں جی, ڈم, جی, کیچ آؤٹ یا وکٹ اڑائی؟ بولڈ کیا تھا. بولڈ مارا. کیا اور کس کو کیا تھا آپ نے پہلا بولڈ؟ ڈیوڈ ہاؤٹن تھا, زمبابوے کا کیپٹن. زمبابوے تو بےچاری غریب سی ٹیم ہے, نہیں حالات ہی اتنے خراب ہیں. اگر آپ واپس جائیں 95-96 میں ان کی ٹیم واپس جاؤں, ہاں جی, کیسے جاؤں مجھے بتاؤ, 95 میں جاؤں کیسے؟ ریکارڈ میں. اچھا ریکارڈ دیکھوں جا کر کے, انٹرنیٹ پہ چیک کروں تو کیا نظر آئے گا مجھے؟ نظر یہ آئے گا کہ میرے لیے زمبابوے وہ آسٹریلیا تھی, کیونکہ میرا فرسٹ میچ تھا اور کافی کنفیوز بھی تھا اور انڈر پریشر بھی تھا. اور کتنے سال کے تھے آپ؟ کوئی تھے 19 سال کے. 19 سال کی عمر میں بولڈ مارا آپ نے, پڑاک کر کے وہ وکٹ اڑ گئی. 19 سال کی عمر میں پہلی وکٹ لی آپ نے, ٹھیک ہے سر, پہلی کامیابی. پہلی دفعہ کون سا چہرہ اچھا لگا؟ اب 8 دفعہ میں آپ کی پہلی بات پوچھوں گا, پہلا چہرہ کون سا اچھا لگا دنیا میں خاتون کا؟ ذہن پہ زور ڈالو, کن پٹیوں کو ایسے پکڑ لو, ہل کر کے یوں سہلاؤ, ایسے کرو سب آ جائے گا. بڑا مشکل ہے, کبھی سوچا نہیں اس چیز کو. پہلا چہرہ جو آپ, جس سے آپ کا, آپ کی بال جو ہے نا وہ وائڈ بال ہو گئی, وہ یوں دیکھا آپ نے, یہاں ہاتھ رہ گیا. ایسا کبھی ہوا نہیں, کبھی ایسا, ایسا کبھی نہیں ہوا. ویسے اس کا مطلب آپ رومانٹک آدمی نہیں ہے؟ نہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے. ایسی بات نہیں ہے تو پھر وہ بات تو ہے نا. پھر جب ایک ہی بات سیکھی گئی, اگر جب آپ گراؤنڈ کے اندر, روپ کے اندر چلے گئے. یار ہمارے بے شمار پلیئر گراؤنڈ میں جا کے یہی کرتے رہے کہ یہ تو میرے دوست ہیں, جو گراؤنڈ میں جا کر کے گیم صاف کر رہے ہیں, ساتھ میں آنکھیں خراب کر رہے ہیں. وہ آپ, وہ رومانس ہے نا یار, ان مردوں میں ہوتا ہے نا, کیوں آپ ایسے؟ نہیں ایسی بات نہیں ہوتی. میں نہیں سمجھتا کہ اگر کوئی ایسی کوئی حرکت کرتا ہے وہ کرکٹر ہے. اور یہ کرکٹ جب آپ روم میں جاتے ہیں تو آپ, یار کتنے کرکٹروں نے فلمی لڑکیوں سے شادی کی ہے, کیے کہ نہیں کیے؟ نہیں وہ آف دا فیلڈ. کیسے ملی وہ؟ نہیں آف دا فیلڈ سیٹنگ, خواب میں آگے بشارت ہوئی تھی بھائی سے شادی کر لو, کہیں تو نظر آئی ہوں گی کسی گراؤنڈ میں. گراؤنڈ میں نہیں ہوئے گی, انہوں نے ان کو دیکھا تو پھر ہوا ان کے ساتھ. کس کے کہہ رہے ہیں آپ؟ محسن خان دیکھ لیں, انہوں نے ان کو دیکھا. ہاں جی, اور اس وقت رینا رائے سپر ہٹ تھی. ہاں جی, انہوں نے پروپوزل دی ہوگی نا ان کو. اچھا, انہوں نے کہا تھا مجھ سے شادی کر لو. جی جی, خدا کے لیے. چلے ہو گئی بات, ہو گیا, چھوڑ دیں. آپ کا دل کب دھڑکا تھا پہلی دفعہ؟ ہے کوئی بات ضرور گھبرا رہے ہو آپ؟ نہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں. ہلکا سا رومانٹک میوزک بجانا, ابھی کھلیں گے. سوچے رہا آ گیا ان کے ذہن میں نام آ گیا. اگر آپ صحیح لو کی بات کر رہے ہیں تو وہ تو بتانا مشکل ہوگا, پر یہ کہ کیوں آپ بھی اسٹیج سے رونتی نہ مارو, رونتی نہ مارو, دو ہے گال ہو دس دو, کوئی گال میں بھی بتاؤں گا نا. میں آپ کو صحیح اپنا ایکسپیرینس اور صحیح بات بتاؤں گا کہ کسی بھی لڑکے کو جب وہ ایک 16-17 سال کی ایج کراس کرتا ہے تو اس کو پیار نہیں ہوتا, اس کو فلرٹ ہوتا ہے, اس میں فلرٹ فیلنگ ہوتی ہے. آپ کو کب ہوا تھا فلرٹ؟ نہیں ہوا تھا نا, ہوا تھا. چلو ہاں تو کرو یار. دیکھے میں بڑا اسٹریٹ فارورڈ بندہ ہوں, کبھی ایسا فلرٹ ابھی ذہن میں آیا نہیں, کبھی کسی کے ساتھ مس گائیڈ نہیں کیا کسی کو. اور یار خوبصورت چہرے نظر آتے ہیں آدمی, اب دیکھیں سامنے ایک میرا دوست بیٹھا ہوا ہے, مجھے بہت پیار آتا ہے اس کے اوپر, میں 100-100 دفعہ دن میں اس کا سر چومتا ہوں. یہ چوم چوم کے میں نے اس کا یہ حشر کیا سر. میرا پیار آیا, میں نے کہہ دیا کہ آئی لو ہم. تو آپ نے, اچھا کبھی کسی کو لو یو کہا؟ نہیں. اب صحیح بات کرنی چاہیے کہ بات ایک لڑکی, بتاؤ اپنا حاجی عبد الرزاق. نہیں ابھی ایک لڑکی تھی دبئی سے. ہاں
रज़ाक भाई दुबई में। हाँ जी, बस ये कि आप उसको फ्लड कह सकते हैं, और उसने मुझे प्रपोजल दी शादी की, और बस मैं 19 इयर्स ओल्ड था उस वक्त, तो मैंने कहा जी ठीक है। तो वो बाद में पता चला था कि वो फ्रॉड था सारा, और उस लड़की किसी और के साथ सेटिंग थी, और विदन दुबई की थी। दुबई की, दुबई की, दुबई की। फल्ला अला कुल दुबई अला गर्ल्स अला हाई सलाम अल रज़ाक अल मोहब्बत अल सच्चिया और तू सकी की ताय देना। मेरा दोस्त, हमारे मुल्क का इतना बड़ा नाम, इतनी बड़ी सेलिब्रिटी, आपने उनके उनको प्यार को आपने उनको चक्करबाजी में कर दिया, तभी तो उनको प्यार से नफरत हो गई है। रज़ाक भाई, मैं उस लड़की की तरफ से आपसे माफी चाहता हूँ। नहीं, उस वक्त हार्डली कोई 2-3 मैचेस खेले थे इंटरनेशनल, तो अच्छा उस वक्त आपका इतना एक्सपीरियंस भी नहीं होगा। रियल क्रिकेट आप समझे कि ये सच्ची है को चक्कर है। हाँ जी, वो और उसने ऐसे ही आपके साथ जोक किया। नहीं, उसने, मैं समझता हूँ कि फ्लर्ट किया उसने, और उसने झूठ बोला कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, और हमारे घर में भी आई अपनी अम्मी के साथ। जाने नहीं दे रहा चाहिए था ना आपको, घर में आ गई थी वहीं बिठा लेते, बह जाओ जी काई साहब ने बुलाओ। अच्छा, उसके बाद जब माशाल्लाह आपका नाम हो गया, बड़े बहुत जबरदस्त सारी विकेट उड़ा दी, तो कभी उसका दोबारा फोन आया कि आई मिस यू? नहीं, उसने जब उसकी जब मुझे पता चला किसी और लड़के के साथ सेटिंग है, और वो रात को उसके साथ मिलने जाती है, और मुझसे झूठ बोलती थी कि मैं घर में ही रहती हूँ, मम्मी मुझे मना करती है, तो फिर मुझे पता चला, मैंने वो छोड़ दिया सब कुछ, वो भी चली गई। और जब मैं 99 वर्ल्ड कप मैं खेल के दुबई गया, तो उससे मेरी मुलाकात हुई। उसके बच्चों के साथ? नहीं नहीं नहीं, बच्चे नहीं थे। नहीं, उसने कहा जी मुझे माफी दे दे, मैं आपसे झूठ बोला था, और मैं आपसे अभी शादी करना चाहती हूँ। फिर बोल रही है? और मैंने कहा नहीं यार, आपने नहीं की? नहीं, मैंने कहा अब वो बात नहीं रही, मैं बस यार मेरा नंबर दे दे। मौसम साहब, वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। ब्रेक पे हम गए थे, गुफ्तगू कर रहे थे रज़ाक, अब्दुल रज़ाक साहब के साथ, और बात हो रही थी उनके रोमांस की, बात हो रही थी उनकी, उनके स्टाइल की बात हो रही थी, उनकी ख्वाहिशात की बात हो रही थी, उनकी पहली पहली ज़िंदगी की। ज़िंदगी की कामयाबियाँ जो होती हैं और जो रिस्पॉन्स होते हैं, एक जो आखिरी सैड नोट था वो ये था कि उनको 2007 में रवैयों की वजह से, एटीट्यूड बिहेवियर, इसकी वजह से, यानी कि उनको क्रिकेट देखने वाले लोगों ने कहा आप रिटायर हो जाएं, ऑफिशियली ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी जाती है, आदमी डिप्रेशन में चला जाता है और रिटायरमेंट का इमोशनल होकर के ऐलान कर देता है। उसकी तवक्को होती है वो रिटायरमेंट का ऐलान करेगा और लोग उसको जो है ना दोबारा से वेलकम करेंगे, और वही उनके साथ हुआ। खुदा रिस्पॉन्स ना हो तो कुछ भी नहीं है, ये माना के महफिल जमा है, हंसी है, रिस्पॉन्स नहीं है। अल्लाह ताला जो है वो इंसान को हुस्न भी अता फरमाते हैं, अकल भी अता फरमाते, हसीन दिमाग, हसीन चेहरे। अब हमारे मेहमान जो हैं वो शोबिज में इस तरह से हैं कि मॉडल हैं, मॉडलिंग करती हैं, इंटरनेशनल मॉडलिंग करती हैं, 2010 में बेस्ट मॉडल ऑफ पाकिस्तान का अवार्ड ले चुकी हैं, और इस वक्त हमारे शो में तशरीफ फरमाए हैं होंगी। बहुत साथ आपकी बहुत सारी तालियां, तशरीफ लाएंगी अस्मा जरना। अस्मा जरनाब जी, आपके नाम को काफी देर से मैं याद कर रहा हूँ। काफी मुश्किल है आपके लिए लगता है? नहीं नहीं, मेरे लिए क्यों मुश्किल है, मेरे तो आप भी मुश्किल नहीं इसके मायने क्या है ये नाम, ये कोई सरनेम है, क्या है ये?
इनफैक्ट मैंने एक उर्दू पोइट्री की बुक लिखी थी और ये मेरा तखल्लुस है जरनाब। और इसके मायने क्या है जरनाब? समंदर का गहरा पानी। हाँ जी, समंदर का गहरा पानी। ये आप वैसे गलत बोल रही हैं। आपने क्या कहा? समंदर का गहरा पानी, गहरे समंदर का पानी। चले, बुक में मैंने ऐसे समंदर तो होता ही गहरा है, उसको आप क्या कह रहे हैं गहरे समंदर का पानी? वो आपका नाम है, यानी कि मोती हैं आप, क्योंकि गहराई में जो है ना एक सीप होती है और सीप में एक मोती होता है, वो जरनाब होता है। आपको ये नाम कैसा लगा मेरे दोस्त? मैंने सुना ही नहीं। वेरी नाइस, बहुत अच्छी बात की आपने। आप जिस तरीके से नहीं सुन रहे हैं, मेरी दुआ है आपके साथ कभी ऐसा तो नहीं हुआ कि आपको कहा आउट और आपने सुना ही ना हो? घर में सुन लेते हैं? घर में सुन लेते हैं? नहीं, घर में तो डेफिनेटली सुनते हैं। सुन लेते ना, लेकिन बराबर में नहीं सुनाई देता आप। नहीं, वो पता नहीं समंदर, पता नहीं मछलियों की बात हो रही थी, मैं इसलिए मछलियों की बात हो रही थी। मछली नहीं, जरनाब। जरनाब कोई मछली है? किसी डॉल्फिन ने बाहर निकल के कहा हेलो मैं जरनाब। आप मॉडल हैं और मिस पाकिस्तान, मिस टूरिज्म इंटरनेशनल 2010 में आप मलेशिया में। जी बिल्कुल। सारा आप कितनी इंटरनेशनली मॉडलिंग कर चुकी है, क्या आपका वो है? वैसे तो मैंने अपना करियर स्टार्ट किया हुआ मुझे 1-1.5 साल ही, मतलब 2010 से 2008 के एंड में मैंने स्टार्ट किया था, एंड माशाल्लाह उसके बाद से अभी तक काफी इंटरनेशनल कैंपेन्स कर चुकी हूँ। और अल्लाह ताला ने बहुत थोड़े टाइम में बहुत कामयाबी दे दी, ये शायद लक है और उसकी जरा नवाज है। शायद नहीं, 100% लक है। ये 19 साल के थे जब इन्होंने पहली विकेट ली है ना जी। आप कितने साल की हैं? मैं 24 की हूँ अभी, और 22nd अभी जी, 5 मिनट बाद आप कितनी हो जाएंगी? बताइए। 5 मिनट बाद 5 मिनट ऊपर हो जाएंगे ना, इस अच्छा, तरह से टाइम बढ़ता रहेगा। जवाब अच्छा है कि 5 मिनट बाद 5 मिनट ऊपर हो जाएंगे। आपने जब मॉडलिंग की वेरी फर्स्ट टाइम, आपने फेस किया कैमरे को, क्या डिफिकल्ट लगा आपको कि मॉडलिंग डिफिकल्ट है या एक्टिंग या आम जिंदगी में? एक मॉडलिंग और होती है लड़कियों की जिंदगी में, वो जब उनका रिश्ता आता और रिश्ते में जब वो चाय, पेस्ट्री, केक, शरबत जो भी लेकर के आती हैं, वो एक तरीके से ससुराल वालों के सामने उसकी पहली मॉडलिंग होती है, कैटवॉक होती है, जो उसको हर एंगल से सारी नंदे, भाभियां, भतीजियां, लड़के की बहनें सब देख रही होती है ना, तो वो क्या लगा था आपको? इनफैक्ट मुझे बचपन से ही वैसे बहुत शौक था, और ये चाय लाने का नहीं, मतलब एक होता है ना, वैसे मैं देखती थी टीवी में, फिर उसको फॉलो करती थी, फिर खुद ही सर पे बुक्स रख के वॉक करती थी, और इस तरह करते करते मुझे खुद अभी तक यकीन नहीं आता, पता नहीं चलता कि शायद मेरी माँ की दुआएं हैं, मेरे घर वालों की सपोर्ट है। आपकी जिंदगी में शायद बहुत है, बहुत ज्यादा। शायद मुझे अल्लाह ने तरक्की दी है, शायद मेरी माँ की दुआ है, शायद मेरे पड़ोसियों की दुआ है, शायद ये किसी की दुआ है, लेकिन आपके लिए दुआएं बहुत जरूरी होती है, बहुत जरूरी। तो दुआ के बगैर कुछ नहीं है। जब आपकी पहली दुआ कबूल होती है, आपका दिल बाग बाग हो जाता है ना। रजाक साहब, मॉडल्स आपने बड़ी देखी होंगे, आपको लगता है ये पाकिस्तान की हमारी एक खूबसूरत मॉडल है, इनको इंटरनेशनल, हमारा मॉडल जो है वो सारी की सारी जो है बेहतरीन है, लेकिन शायद हमारे पास ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है, हमारे पास वो जराए नहीं है कि हम इनको मॉडल्स को उस मुकाम पे ले जाएं जहां हिंदुस्तान में ऐश्वर्या भाभी हैं, जैसे भी आपने फरमाया। भाभी मैं कहता हूँ अमिताभ बच्चन की वजह से, कि उनकी बहू है, हमारे लिए तो काबिल एहतराम है, अभिषेक हमारे भाइयों की तरह, छोटे भाइयों की तरह मुलाकात भी रही है, तो मकसद कहने का ये है, उस सेंस में कह रहा हूँ, आप प्लीज माइंड नहीं कीजिएगा। आपने भाभी नहीं कहना? नहीं, मैं तो नहीं कहता भाभी। आप तो नहीं कहते ना उनको भाभी? देखो नहीं, जहन इनका कुछ और है। अभी बैठे हुए कुछ सुन नहीं रहे थे, बट अभी उन्होंने फटाफट कह दिया मैं भाभी नहीं कहूंगा। हाँ, ये बात बड़ी चीज ने नोट करी। अच्छा जनाब, मुझे एक बात बताइए, जिंदगी के कौन से मरहले में आ गई हो, कोई आंखों को भाया, दिल को भाया, कोई अच्छी आदत का लगा,
कोई वालदेन के कंधों पे से बोझ उतारने का सोचा, अपने घर जाने का कोई प्रोग्राम बनाया, क्या किया अभी तक आपने? अभी तक तो काम कर रही हूँ और आई थिंक मैं चाहती हूँ कि पेरेंट्स ही डिसाइड करें जो भी करें. मैं जितनी मर्जी मॉडर्न हो जाऊँ लेकिन अंदर से वही एक विश है कि आज जो मेरे पेरेंट्स डिसाइड करेंगे वही होगा. मैं मतलब खुद से कोई डिसीजन नहीं लेना चाहती अपने. रजाक भाई आपने मुंह उधर किया हुआ है, क्यों वजह बता दो. नहीं मैं कुछ सोच रहा था. नहीं तो आप इधर मुंह करके सोचते हैं. आपसे आपसे सीधा सोचा नहीं जाता, आपसे सीधा बैठ. नहीं आप क्या, क्यों आपने इधर फेस क्यों किया था वो बता दो. भाभी के खौफ से? नहीं ऐसी बात नहीं कि भाभी ने कहा एक सोफे पे बैठ गए और बीच में जगह भी बहुत थोड़ी सी है, इसमें से गेंद निकल जाएगी. आप अब तक कितने मैच खेल चुके हैं? आप इतने परेशान बैठे हैं, मैच कितने खेले आप? 273 वनडे इंटरनेशनल. वाह वाह क्या बात, क्या बात. वनडे खेले हैं ये, वनडे खेले. टेस्ट सीरीज कितनी किया? 46 माशाल्लाह. आपका एवरेज क्या है रन्स का? अभी तक कितने रन्स बना चुके हैं आप और विकेट कितने ले चुके हैं? वनडे में 5,500 रन्स हैं और 289 विकेट्स हैं. विकेट में 289. वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस. आप पाइसेस हैं, बहन भाई कितने हैं आप? मैं एक ही बहन हूँ और मेरे तीन भाई हैं और मैं सबसे छोटी हूँ घर में. अच्छा घर में सबसे छोटी हैं? सबसे छोटी इतनी बड़ी? हाइट में नहीं, हाइट में सब इतने ही हैं. आपकी क्या हाइट है? मेरी 5'11" है. 5'11" सिक्स में नहीं आए अभी आप? हील पहन के आ जाती हूँ. वो तो सिक्स ऊपर निकल जाती हूँ. सिक्स टू हो जाती हूँ. 3 inch की तो होगी डेफिनेटली. इससे कम की तो लड़कियों का गुजारा नहीं है. आपका कितना कद है भाई? 5'11" आप भी 5'11" है. बताओ 5'11" 5'11" ऐसा लग रहा कोई दो वैगने आई हुई. अच्छा आप अपने घर में आपकी भी यही हाइट है, भाइयों की भी यही हाइट है? नहीं भाइयों की छोटी है. अच्छा वो छोटे हैं. आपके सारे बहन भाई इसी कद के हैं? हाँ जी. आपके साथ तीनों भाई? हाँ जी. 6'1" 6'. आप सबसे बड़ी हैं सबसे छोटी? सबसे छोटी. सबसे छोटी हैं. सबसे बड़े भाई जो है वो क्या करते हैं? वो सऊदीया में होते हैं. मेरी सारी फैमिली बाहर सेटल्ड है. मैं भी बेसिकली सऊदीया से आई हुई हूँ और वहीं पर बड़े हुए हैं. सब कुछ दुबई में, वहीं पे रहे हैं और बस. दुबई मतलब सऊदीया. हर चीज आप लग रहा है हमारे जख्मों पे नमक छिड़कने आई. आपको आइडिया नहीं आपने क्या कह दिया. मेरा कौम का हीरो, मेरा असासा दुबई में. दुबई में की वजह से शर्मा रहे हैं. ये दुबई में थे, इनके साथ एक लड़की ने फ्लर्ट किया. अच्छा. इनको कहा कि मैं आपसे लव करती हूँ, शादी करना चाहूँ. और ये सीधे थे. पहला इनका वो मतलब यानी कि पहली दफा किसी ने ऐसा कहा था कि लड़कियां ऐसा क्यों करती है दुबई में. आप तो दुबई में रही हैं? नहीं मैं सऊदीया में रही हूँ. सऊदीया में ज्यादा रही हूँ. मतलब दुबई भी आते जाते रहते हैं ज्यादा. मेरी फैमिली आधी फैमिली उधर है, आधी तो ट्रैवल करते रहते हैं. अच्छा आधी आधी फैमिली इधर उधर है. तो ये दुबई में इनके साथ हुआ, कुछ आप इस पे तबसरा करना चाहेंगे? मैं क्या कहूँ, मैंने आज तक कभी किसी के साथ धोखाबाजी की नहीं तो मुझे क्या पता लड़की ऐसा क्यों करती है. आप लड़की तो है ना. लेकिन मैंने कहा कि मैंने आज तक कभी ऐसा कुछ किया नहीं कि किसी का दिल तोड़ा हो या कुछ उस तरह. किसी का दिल नहीं तोड़ती. रजाक भाई ये ठीक है, ये किसी का दिल भी नहीं तोड़ती है. मेरा ख्याल है ऐसा ही होना चाहिए हर आदमी को, किसी का दिल ना तोड़े. क्योंकि दिल नहीं तोड़ना चाहिए बस. आप किसी का पंच मार के मुंह तोड़ दें, किसी से रिश्ता तोड़ दें, दोस्ती तोड़ दें, तोड़ना चाहिए बहुत. लेकिन दिल नहीं तोड़ना चाहिए. दिल बहुत मुश्किल. मैं इस बात का बड़ा कायल हूँ कि खुश रखो हर एक को. फिल्मों में जाने का इरादा है आपको?
अगर अल्लाह ताला ने चाहा और जिस मकसद के लिए मुझे बनाया है उसमें ये भी शामिल हुआ तो जरूर जाऊंगी, बट अभी एक दो ऑफर्स आई हैं अच्छी मूवीज की, लेकिन अभी कुछ टाइम चाहिए। 24 साल की हो गई, कब तक आएंगी आप फिल्मों में? कुछ अच्छे डायरेक्टर और अच्छा स्क्रिप्ट मिलेगा तो जरूर, अदरवाइज। सुना था रजाक भाई आप कोई फिल्म बना रहे हैं? नहीं बना रहे? नहीं यार, ये अफवाहें भी उड़ाते हैं लोग। हालांकि मुझे किसी ने बताया था दुबई में फिल्म बना रहे हैं। तेल अपना अपना फिल्म का नाम। अच्छा, आप डिजाइनिंग भी करती हैं? जी, इंटीरियर डिजाइनिंग। इंटीरियर डिजाइनर भी है माशाल्लाह। तो क्या क्या अभी तक आपने किया डिजाइन? मैंने काफी काम किया है यहाँ पर, इवन जो मेन गार्डन टाउन में सलार सेंटर है, काफी मतलब यहाँ का फेमस है, उसका सारा इंटीरियर किया हुआ है। ये हमारा सही सेटअप हुआ हुआ है, इसमें कोई डक्स है तो बताएं। बहुत अच्छा सेटअप हुआ हुआ है, बाय प्रोफेशन मैं डायरेक्टर भी हूँ। अपने बैग पे देखिए वो जो लोग हैं सही डिजाइन हुए हैं। इनमें एक डिजाइन ही खराब है, बाकी सब ठीक है। ये दूर से हमने लोगों को बताया ये आदमी जिंदा नहीं है, स्टेचू रखा हुआ हमने। अच्छा, तो ये हमारा इंटीरियर आपको अच्छा लगा माशाल्लाह? बहुत अच्छा है। पाकिस्तान का मैं चाहता हूँ एक ऐसा कोई डिजाइनर अल्लाह मेरे मुल्क को दे दे जो पाकिस्तान का डिजाइन ठीक कर दे, इंशाल्लाह ऐसा पाकिस्तान का डिजाइन। क्या कहते रजाक भाई? नहीं, इंशाल्लाह हमारे मुल्क में खूबसूरती है उसका डिजाइन ठीक नहीं है। उसको डिजाइन ठीक करने वाला कोई ठीक इंसान आ जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा, और वो पब्लिक की नजर नहीं पड़ रही है, वो मैं हूँ। मुझे वजीर आजम बनाए आप लोग, इनको तो मैं बनाऊंगा ना सबसे पहले चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड रजाक भाई को, ये मेरा वादा है। जिस दिन रजाक मैं प्राइम मिनिस्टर बना तुम चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड होगे, और ऐसा कभी होगा नहीं। हो भी सकता है, हो भी सकता है, कोई पता मैं बन सकता हूँ वजीर आजम? बिल्कुल, अगर मैं वजीर आजम बन गया मैं एक महीने के तो पहले सबसे पहले बैठते के साथ ही एक महीने के बिजली के बिल माफ कर दूंगा। वेरी गुड। एंड देन गरीबों पे टैक्स माफ कर दूंगा इंशाल्लाह, वीआईपी कल्चर खत्म कर दूंगा, हर आदमी लाइन में लग के चीज लेगा, कोई नहीं होगा अगर पीछे से हाथ आया ये लेना भाईजान, ये नहीं होगा, ये कभी नहीं होगा। क्यों? ये सारे काम करूंगा, लोगों को जॉब्स दूंगा, ऐसा होना चाहिए बिल्कुल, यतीम बच्चों की शादियां करवाऊंगा, यानी मैं वो काम कर। रियाया का जो चीफ होता है ना हेड, वो बाप की तरह होता है, उसको होना चाहिए, होना जैसे एक घर का बड़ा होता है, वो लुक आफ्टर करता है हर एक को, हर पर्सन को, ऐसे फैमिली की तरह लुक आफ्टर होनी चाहिए। नाइस फैक्ट। अच्छा, वजीर आजम वही है जो हुकूमत को अपने घर की वो चीज समझ के चलाए, पूरी लोगों को वैसे ट्रीट करे जैसे अपने घर का सिस्टम चला रहा है, तो हमारे यहाँ अच्छा हमें तो जो वजीर आजम मिला वो ऐसा ही मिला है कि वो मुल्क को अपना घर समझता है, मुल्क के लोगों को घर वाला नहीं समझता, मुल्क को समझता मेरा है, मेरा घर है, लेकिन मुल्क के लोग, ये लोग जो बैठे हुए टीवी देख रहे हैं, खुदा की कसम ये इंतहाई हसीन कौम है, हर हालात में खुश रहने वाली, और सोचो इन्हें अगर किसी ने खुश कर दिया तो ये कितने खुश होंगे। बिल्कुल, इस मुसीबत में ये इतने जहीन हैं, अगर इन्हें सहूलत दे दी तो ये क्या अपनी जहानत का गजब ढाएंगे दुनिया में, क्या टैलेंट निकलेगा। मैं आज इस बात पर, इस नतीजे के ऊपर हम आके समप करते हैं, एक तो आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, मैं अपनी बेतकल्लुफी के लिए आपसे माजरत भी चाहूँगा, आपसे भी चाहूँगा, लेकिन हमारे शो का हिस्सा है, हम असल में बहुत टेंशन में नहीं बैठना चाहते, ना हम इतना ज़्यादा पॉलिटिक्स को डिस्कस करना चाहते हैं, हम चाहते हैं बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट से हंसी हंसी में दो चार बातें भी हो जाएँ, आपका इंट्रो भी हो जाए, आपकी अचीवमेंट भी सामने आ जाए, क्योंकि आप हमारे शो में आए हैं, इससे रजाक भाई हमारे शो की शान बढ़ी है, आप तशरीफ लाई हैं, इससे हमारे शो की खूबसूरती में इजाफा हुआ है, और ये मेरे लिए बड़े यादगार लम्हात हैं जो मैंने आपके साथ गुजारे हैं, और अल्लाह आप लोगों को खुश रखे, अल्लाह आपको और आगे लेकर के जाए, और हम आपको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में देखें, और हम सब उसमें शामिल हों, और पाकिस्तान का नाम उन किताबों में लिखवाएं जो दुनिया की बड़ी किताबें हैं, किसी ना किसी तरीके से हम दुनिया के उन नंबर्स में रहें
وکٹری سٹینڈ پہ رہیں, اللہ ہم سب کو ترقی دے, عزت دے, اور ہمارے ملک کے لوگوں کو اپنے لوگوں سے پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اینڈ تھینک یو ویری مچ, سو نائس.